आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं हमारे गोप्रो के एक्सटर्नल माइक की, जो कि मैंने अभी कल ही मंगाया है अपना अमेजोन से। और इससे पहले हम जो यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल माइक, वो सिंपली माइक है और उसमें एक कमी है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो जैक है वो TRRS वाला टिप वाला मिलता है जैक मार्केट में मोस्टली, जो कि स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ होते हैं। और उसको हमें गोप्रो को यूज़ करने के लिए हमें ये एक एक्सटर्नल एडेप्टर लेना पड़ता है TRS, और इसको मिलके ही हमारा जो गोप्रो के साथ यूज़ होता है। और लेकिन ये माइनस पॉइंट गया है, ये इतना लंबा हो जाता है तो कई बार ये खींच के ये मुड़ जाता है। ये देखिए मुड़ गया ये, और इस वजह से जो इसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है, मेरे 2 बार हो चुका है ये। पहला तो लद्दाख में हमारी जो लास्ट की काफ़ी वीडियो ख़राब हो चुकी हैं ड्यू टू दिस, ये मुड़ गया था और उसमें काफ़ी ख़राब हो गई थी। और अब 2 दिन पहले भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इसकी वजह से और हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई, वॉइस ख़त्म हो गई थी, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती साथ में। फिर तो ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं काफ़ी सर्च कर रहा था। तो काफ़ी महंगे TRS वाले काफ़ी महंगे इसमें मिलते हैं माइक्स, जो गो अमेजोन पे अवेलेबल हैं। और जो सस्ता ऑप्शन मुझे पहली बार दिखी है, जो TRS की है, वो मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने कल ही ऑर्डर देके मंगाया है। ये है अपना न्यू लेटेस्ट एक्सटर्नल माइक फॉर गोप्रो। सभी गोप्रो पे ये कंपेटेबल है, 9, 10, 11, 12, 11 और 5, 6, 7, 8 जितने भी गोप्रो के पहले सीरीज आई हुई है सभी पे कंपेटेबल है, विद एडेप्टर में यूज़ होता है। अगर आपका गोप्रो माइक का अडेप्टर है उसमें ये लग जाता है और सभी में ये यूज़ होता है। इसमें एक चीज़ कमी है कि ये सिर्फ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो काफ़ी छोटा है, हमारे हेलमेट में फिट होगा नहीं होगा, मैं करके देखूंगा। और अच्छी चीज़ क्या है कि TRS टिप है, साथ में ये फ्लेक्सिबल है। ये देखिए फ्लेक्सिबल है, बाकी जितने माइक हैं वो सिर्फ वायर वाले होते हैं और वो वायर भी कई बार कट जाती है, लेकिन ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और मजबूत है इसका जो। तो अब इसको फिटिंग करके मैं दिखाऊंगा अपने हेलमेट में। और इसके साथ साथ मैंने एक प्रोडक्ट और मंगा लिया, जो हमारा जैक ख़राब हो गया है उसको भी मैंने ऑर्डर दिया था। ये देखिए ये आ चुका है हमारा जैक, ये नया जैक है ये, जो एक्सटर्नल माइक के लिए, और ये पुराना जैक है। ये देखिए दोनों आपको पता चल जाएगा, एक टेढ़ा हो चुका है और एक बिल्कुल नया है। तो ये दोनों ऑप्शन मंगा लिए, ये 100 रुपये का मुझे अमेजोन से मिला है और ये हमें पड़ा है 500 रुपीज़ का, और कुछ डिलीवरी चार्ज लगेंगे 40-50 रुपये। तो ये है हमारे आज के 2 प्रोडक्ट। हाँ, इसके साथ मैंने और भी मंगाया, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ साथ में। तो ये मैंने कनेक्टर मंगाए हैं साथ में, हम जो हमारे एक्शन कैमरे के साथ लगते हैं स्ट्रेट वाले, एक तो बैंड वाला होता है एक, और ये दोनों स्ट्रेट वाले हैं। इससे हमारा जो फ्रंट में कैमरा लगता है, चेन पे जो कैमरा लगता है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है ये स्ट्रेट के लिए। तो ये भी मैंने मंगाया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीनों प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये 250 के मिले मुझे 2 पीस, एक छोटा एक बड़ा है ये दो। एक मैंने फिट कर लिया है हेलमेट के अंदर, ये देखिए लगा हुआ मेरे छोटा वाला ये। तो ये हमारे आज के प्रोडक्ट्स हैं जो गोप्रो से रिलेटेड हैं, और हम इसको अब इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा अपने माइक को अपने गोप्रो जो के साथ कैसे लगेगा। इससे पहले मैं ये वायर वाला यूज़ कर रहा था जो मेरे हेलमेट में लगा हुआ है, और इसका जो कहाँ गया माइक है, माइक 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 कहाँ गया माइक, हाँ माइक इसके अंदर लगा हुआ है हेलमेट, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा इसका माइक, इसका माइक ये है जो हमने अंदर अपने हेलमेट के अंदर लगा रखा है। और इसकी जो ये वायर है जिसके हम कनेक्ट करते हैं अपने गोप्रो के साथ, तो ये काफ़ी लंबी वायर आती है इसकी, तो बहुत बड़ी होती है। वायर की लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है इसका TRS वाला सिस्टम जो है, हमें TRS मिल जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए अडेप्टर लगाओ वगैरह। तो अब ये हम लगा के देखते हैं, ये नया प्रोडक्ट है, इसकी वॉइस क्वालिटी भी चेक करेंगे कैसी है। तो इसको हमें आगे लगाना पड़ेगा ताकि ये देखिए ये लगेगा हमारा गोप्रो का जो अडेप्टर है इसके अंदर।
ये लग गया हमारा गोप्रो का, ये हमारा लग चुका है अपने गोप्रो के एडाप्टर के अंदर। अब इसको हमने फिट करना अंदर, और ये काफ़ी है, मतलब कि इतना है कि ये अंदर चला जाए ये। तो इसको हम अब अंदर सेटिंग करेंगे इसकी। तो ये फ्लेक्सिबल है और फिक्स भी हो जाता है एक जगह जाके। तो इस तरह जाके देख पा रहे होंगे, ये हमारा फिक्स हो गया है यहाँ पे इसके अंदर। और इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। इसके साथ हम डबल टेप भी लगा सकते हैं या कोई भी, जिससे ये फिक्स हो जाए, कुछ भी चिपका सकते हैं इसके साथ ताकि ये रिमूव ना हो। तो मैं इसको डबल टेप में लेके आया था, तो वो भी मैं इस पे लगाऊंगा। अब इसका मैं टेस्टिंग कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो अभी हम जो अपना नया माइक है उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड उसी नए वाले से हो रही है। तो आपको वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है एक कमेंट करना, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कैसी चल रही है, रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं है अभी मैं देखूंगा। तो आपको अगर वॉइस क्वालिटी मेरी पिछली वीडियो से कुछ फ़र्क लगती है तो मुझे मैसेज करना कि हाँ भाई इसमें कुछ अंतर है और बढ़िया है कि नहीं है। बाकी रिव्यू तो मेन आपको जब मैं हाईवे पे जाऊंगा, जो विंड ब्लास्ट होता है उसमें कैसे रिकॉर्ड होती है वो तो मैं आपको चलते चलते बात करके ही बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, ये मैंने बता दिया। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाय कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना। और तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जाट ऑन व्हील्स, उस पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए। उस पर मैं बहुत सारी अपने जितने भी टूर्स की सब वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और कोई भी मेरा नया व्यूज़ है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आपको पता है ये बिल्कुल फ्री है, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद सायोनारा।